तो देखिए, जिस तरह से चीन की ये हिमाकत हुई है और उसके बाद भारत ने उसका जवाब दिया, और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि आगे की चीजों को देखकर भी तैयारी बहुत व्यापक है। बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान जुड़े हुए, एक्सपर्ट जुड़े हुए, मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, महेश सचदेव पूर्व राजदूत, और साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तिवारी सर, ये जो हम एयर ड्रिल करने जा रहे हैं, ये कितना इंपैक्टफुल है ऐसे समय में जैसे चीन ने उसी बॉर्डर पर, वहीं ईस्टर्न जो हमारा बॉर्डर लाइन है वहां पर हरकत की, और वहीं पर हम ये एक मैसिव एयर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्या मैसेजिंग देखते हैं आप इसमें? देखिए रवि, ये जो मैसेज देने की बात तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि भारतीय एयरफोर्स इतनी सक्षम थी कि चाइना की हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की। सक्षम आज नहीं, 1962 में भी थी जब उसको यूज नहीं कर पाए थे। अगर भारतीय एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया होता तो 1962 का वॉर का रिजल्ट कुछ अलग होता। अभी तो भारतीय एयरफोर्स बहुत आगे है, एक्सरसाइज से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रूटीन प्रैक्टिस है, और चाइना को इसका डर है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स वॉज रेटेड। टाइमिंग को लेकर, टाइमिंग तो एक्सरसाइज तो रूटीन करते रहेंगे, इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा कुछ, लेकिन भारतीय एयरफोर्स को प्लानिंग थ्रू आउट चलती रहती है बिकॉज चाइना से हमेशा डर रहा है, तो चाइना को हर स्टेप को काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है सर, मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं भारत की तैयारियों को, और भारत की ये अभूतपूर्व तैयारियां मौजूदा वक्त के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अहम, कितनी जरूरी आप मानते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करने की बात कही गई है, उसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। L-70 जो एयर डिफेंस गन्स है वो तो तवांग में ही तैनात कर दी गई। देखे समीर, भारत की इस समय तैयारी बहुत ही अव्वल दर्जे की रही है। सबसे पहले इस टाइम जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट थी वो बहुत सही रही और उसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया। देखें, चीन 15 दिन से कुछ बिल्डअप कर रहा था और इसको पहचाना भारतीय फौज ने, और इसीलिए जब वो आए तो उनको ऐसी मारपीट पड़ी है कि उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। अब मैं समझता हूँ कि जो हमारे आगे वायर ऑब्स्टिकल्स थे ना, वो भी एक तैयारी की थी, और वो वायर ऑब्स्टिकल के वजह से चीनी पीएलए के जो सोल्जर से बच गए हैं, नहीं तो जैसे जोश और मनोबल हमने देखा है उसमें इनके और भी घायल होने थे चीन के, वो भागे हैं वहां से। तो अच्छा, दूसरा है कि जो हमारी तैयारी की बात कर रहे हैं आप, देखे इस समय जो हमारी भारतीय फौज की जो टैक्टिकल लेवल पे हम देखे वॉटरशेड के ऊपर, इतनी हाइट 17,000 फुट के ऊपर जैसे रिएक्ट किया है, ये बताता है देशवासियों को कि तैयारी हमारी तैयारी नहीं है, बट इस समय कोई भी मौका मिलेगा तो हम कर सकते हैं। इस समय एक सेकंड हम ऑफेंसिव डिफेंस में हैं, और मैं समझता हूं कि समय आ रहा है कि जब भारत एक प्री एम्प्टिव मोड में भी आएगा। सर, लेकिन इस लेटेस्ट खबर पर, इस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्या संकेत है? ये जो शिगात्से बेस की बात हो रही है, ये वो एयर बेस है जो कि डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद यहाँ पर सिविल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था, नए डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पर हुए थे, यूएवीज को लेकर नई एयर स्ट्रिप बनाई गई थी। आज के इस माहौल में अगर यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट किसी रणनीति के तहत चीन कर रहा है तो कितनी बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। क्या इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि चीन ने जो सब कुछ किया वो प्री प्लान था? एब्सोल्युटली, ये जो ऑपरेशन हुआ है बिल्कुल प्री प्लान है। ऐसे ऑपरेशन नहीं होते कि आपके 300 जवान सोल्जर्स आ गए हैं, ये बटालियन और ब्रिगेड लेवल जो कि वो रेजिमेंट बोलते हैं उस लेवल की, उस लेवल की प्लानिंग रही है। समझ में आ गया, जो रिपोर्ट अभी तक सामने आए हैं कि चीन ने प्री प्लान तरीके से तवांग में झड़प को अंजाम दिया। लेकिन प्रोफेसर भारद्वाज, ये जो तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज है ये, जिसमें एक बार फिर से बताया गया है कि इस एयरबेस पर चीन ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है, तैयारियां बढ़ा दी है। शुरुआत से हमने देखा है कि एलएसी के इलाके में, अरुणाचल के बॉर्डर वाले इलाके में अपने गाँव बसाता है चीन, रोड का निर्माण करता है, मोबाइल टावर का निर्माण करता है। इस वक्त जो तैयारियां हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप चीन की ओर से? बिल्कुल, देखिए दो बातें साफ है। एक 1950 का दशक था जो जिस तरीके से चीन नज़दीक आया, पनसील किया, और 1962 में हमारे साथ जो किया, ये जो 1990 के दशक के बाद हमने 93 और 96 में एग्रीमेंट किया, लेकिन 2005 के बाद चीन की खलबली बढ़ गई जब से हम अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डेवलप किया, करना शुरू किया। और चीन, आप देखिए कि उन्होंने जो मैप एक्सचेंज की बात थी वो
2005 में तवांग वाले क्षेत्र में मैक्स एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया था। चीन कई तरीके से भारत से बौखलाया हुआ है, कई मुद्दे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है या पाकिस्तान का मुद्दा है या जो जिस तरीके से कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है पॉजिटिव, भारत ने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट किया है, चीन को समस्या है। और भारत जिस तरीके से अपनी नेवल फोर्सेज को मजबूत कर रहा है, मैं जो बात आ रहा हूँ, तो चीन का जो एक आक्रांता की नीति है, वो आक्रांता की नीति उसको बॉर्डर, भारत को बॉर्डर के पास लेके आती है और ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। लेकिन मैं एक बात लगता है सर कि अमेरिका ने जो आज बयान जारी किया है उसमें भी इसी बात का इंडिकेशन, अमेरिका की जो ये जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं।